हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल की जितना भी आई फैमिली है सभी को बहुत सारे दिल से वेलकम और स्वागत करते हैं एक नए सेंडर पर आकाश में। इसी लेक्चर का हम लोग इंतजार कर रहे थे। प्रश्नावली 8.4 का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। और पहले लेक्चर में एक से लेकर तीन चार क्वेश्चन, जितना भी 4 नंबर क्वेश्चन तक हम आप लोग सोल्यूशन कर देंगे। और 2 से 3 दिन में एक्सरसाइज 8.4 का हम पूरा ऑल सोल्यूशन ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग ऐसा ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कर रहा बोलिए। देखिए, हम आप लोग फार्मूला पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग फार्मूला पहले देख लीजिएगा, लेक्चर में हम लोग बता दिए हैं। तो यहाँ पे समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टाइन ए को कॉट बदले। हम आप लोग को बताए थे पहले में क्या, साइन ए को कॉस में बदलने के लिए, कॉस ए को साइन में बदलने के लिए। और सही बोला क्या, साइन ए सेक ए और टाइन ए को कॉट के पदों में कॉट के रूप में, जैसे बोला क्या, साइन बराबर एक्स तो 1/sin² को एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए, एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। तो एक एक्स के साइन के जगह एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, ये मेरा आ गया सर। तो सही बोला क्या, बोला ऐसा ही बोला कि साइन के पदों में कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। पहले क्या बोला, साइन के, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन। पहला हम लोग साइन को बदल लेते हैं साइन ए। अब ऐसा ऐसा फार्मूला हम लोग को सोचना है आगे। पहले साइन को हम क्या है, साइन को कोसेक में बदल लेते हैं। फिर पहले सोच लेना है, साइन को कोसेक में बदल लेते हैं, कोसेक से कॉट में बदल लेंगे। साइन को कोसेक में बदल लेते हैं तो साइन में बड़ा साइन बटा 1/cosec थीटा। तो यहाँ पे समझिए, साइन को कोसेक में बदलनी है, फिर कोसेक 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 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 1 - cot² थीटा, रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे समझिए, पहले हम साइन को कोसेक बदल लिए, साइन को कोसेक बदल लिए, कोसेक थीटा। तब यहाँ पे कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है क्या, 1। तो कोसेक थीटा वाला क्या होता है, रूट 1 - cot² थीटा। देखिए, हमारा आंसर कॉट स्क्वायर कॉट में आ गया कि नहीं, यहाँ पे समझिए, मेरा आंसर कॉट में आ गया, आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, साइन था तो उसको पहले साइन को 1/cosec में बदल लिए, 1 cosec में। तब लोग हम कौशिक वाला फार्मूला पढ़े थे क्या, कौशिक बराबर फार्मूला रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला हो गया सॉल्यूशन, अब दूसरा में चलते हैं। सेक ए, अब देखिए सेक ए को बदलना है, तो सेक ए को बदलना है तो सेक ए को हम लोग चलिए बदलते हैं। तो देखिए, सेक ए को सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan² थीटा क्या होता है, रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक बराबर, देखिए टेन में तो आता ही है, कौशेक और टेन दोनों में तो कॉट आता है, कौशेक और टेन, कौशेक थीटा बराबर फार्मूला होता है उसमें टेन आता है, और टेन थीटा बराबर 1/cosec और 1/cot थीटा। ऐसे इसको कौशेक है तो उसको बदल लेंगे पहले टेन में, 1 + tan² थीटा क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए रूट है, अब रूट हो गया, अब टेन को बदलेंगे कॉट में, क्या टेन को बदलेंगे कॉट में, तो 1 + tan² 1/tan² क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1/cot² थीटा क्या हो गया, 1/cot² थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे हम एक लिख लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे,
भीम के जोड़ बन रहा था, भीम के जोड़ एलसीएम लिए हैं तो क्या बना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो वहाँ पे एक है, तो एक को कितना से गुना करेंगे, तो कॉट से, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्या अब देखिए मेरा आंसर आ गया कि नहीं, पहले सेक था तो सेक को हम लोग, अरे भाई हम लोग पहले सोचेंगे यहाँ पे सिर करने का कि किस में क्या क्या आता है। तो कॉट का फार्मूला किस में आता है, टेन में आता है और कौशिक में आता है। तो सेक को हम बदल देते पहले कॉस टेन में, तो सेक को बदल लिए टेन में। देखिए सेक बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो वन, यहाँ पे भी थीटा लीजिएगा वहाँ पे है, तो यहाँ पे वन प्लस वन बटा कॉट थीटा। अब टेन को बदलेंगे कॉट में, तो टेन को बदल लिए कॉट। अब एलसीएम लिए तो एलसीएम लेने के बाद मेरा आंसर ये आ गया। तो किसको बदल लिए तो क्या मेरा आंसर आया यहाँ तक, दो को अब सी बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला क्या, तीसरा में टाइन ए को बदलिए कॉट में, तो टाइन ए बराबर क्या होता है, वन बटा कॉट थीटा। क्या होता है, वन बटा कॉट थीटा, जैसे भी लिखे थे टाइन से वन बटा कॉट थीटा। यहाँ पे तीनों को हम व्यक्त कर दिए कॉट के पदों में, कि कर दिए ना कॉट के पद में। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग को यहाँ पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट हमेशा तैयार रहता है, बोलिएगा ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, क्या साइन ए वन बटा कौशिक ठीठा वन बटा वन माइनस टाइन कौटे का स्क्वायर ठीठा, क्या होगा वन माइनस कौटे का स्क्वायर ठीठा। तो यहाँ सेक को पहले बदले टेन में, टेन से बदले कौट में, अब एलसीएम लेके हम बना दिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा यहाँ तक समझ में आया या नहीं। टेन थीटा वाला फार्मूला होता है क्या, वन बटा कॉट थीटा। हमको किसमें बदलना है, कॉट थीटा में, तो हम लोग कॉट थीटा में बदल लिए ना कॉट थीटा में। आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कॉट थीटा में बदल लिए। अगर ऐसा ही बोले कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा में बदल लिए। अब अगर पहले सोचिएगा किस में कॉट आता है, तो कॉट से कौशिक में आता है, टेन में आता है, तो टेन में बदल लिए। पहला सोल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा बोला क्या, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। बोला क्या आप लोग को, वो दे दिया पहला साइन ए कॉस ए टाइन ए कौशिक ए कॉट ए। अब यहाँ पे दे दिया और बोला क्या, सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। वहाँ पे बोला था क्या, कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, और यहाँ पे बोल लिया क्या, टाइन सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग सेक के पदों में व्यक्त करेंगे, तो सेक के पद में व्यक्त करेंगे। तो अब देखिए किसमें बदलना है, पाछू को, सेक के पद में क्या, किसमें बदलना है सेक के पद में। तो देखिए पहला आपका सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग साइन ए। अब सेक किस में आता है आप लोग बताइए, सेक आता है कौश में, सेक आता है कौश में, किसमें आता है, सेक आता है कौश में आता है, कौश में आता है और टेन में आता है, कौश में आता है और टेन में आता है। तो कौश में आता है तो पहले साइन को कौश में बदलते हैं, साइन को कौश में बदलते हैं, साइन को कौश में, साइन ए बराबर वन माइनस कौश स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए बदल गया। अब सेक को बदलते हैं,
अब सेक में बदलते हैं, वन माइनस वन बटा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ साइन को पहले कॉस में बदलें, कॉस को बदलें सेक में, अब सेक में तो बदल ही नहीं, बदलना किस में है, सेक में, सभी को बदलना है तो सेक में बदलना है, तो क्या करेंगे, पहले हम साइन कॉस पहले समझिएगा किस में बदलना है, सेक में, सेक किस में आता है, किसकी फॉर्मूला में, टैन फार्मूला में आता है, फिर कॉस में आता है, दो ही गुण आता है टैन में और कॉस में, तो पहले कॉस में बदल लिए, साइन को बदल सकते हैं कॉस में, कॉस ने तो टैन दो ही गो मिले, पहले कॉस में बदलें तो कॉस में बदल लिए, तो कॉस से सेक हो गया, यहाँ पे सेक को बदलें, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, अब यहाँ पे कुछ नहीं थे एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, तो यहाँ पे मेरा बदल आ गया, पहला आ गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या बोला, कॉस ए को बदलिए सेक में, तो कॉस थीटा और क्या होता है, वन बटा सेक थीटा, कॉस थीटा और क्या फॉर्मूला होता है, वन बटा सेक थीटा, तो यहाँ पे समझ में आ गया, दो तो समझ में आ गया होगा, देखिए कॉस ए बराबर वन बटा सेक थीटा, क्या हो गया, वन बटा सेक थीटा, तो वन बटा सेक थीटा हो गया। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या बदलना है, टैन थीटा को, तो टैन ए बराबर, तो टैन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, वन प्लस सेक स्क्वायर ए टेन ए, तो टेन में तो आता ही है, टेन प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है वन रूट वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, रूट वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी वन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या होता है, टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन आता है, यहाँ आप लोग समझ में आ गया, पहले साइन है यहाँ पे, साइन को हम बदले, साइन सेक किस में आता है, कॉस में, तो कॉस में या टेन में, तो पहले साइन को बदल लिए कॉस में या टेन में बदलें, तो पहले हम कॉस में बदल लिए, कॉस में बेहतर से बदल, तो कॉस से बदल लिए सेक में, यहाँ पे सेक कॉस ए बराबर वन बटा सेक स्क्वायर, टेन बराबर सेक स्क्वायर माइनस वन, एक राम समझ में आ गया। दूसरा सोल्यूशन तो हो गया, तीन तो बना लिए हैं, तीन तक तो हो गया, अब चौथा के चलते हैं, चौथा हल्का लॉन्ग होगा इसलिए इसका चौथा में क्या है, कौशिक ए, अब कौशिक ए है तो देखिए यहाँ पे कौशिक ए है तो हम लोग क्या करेंगे, कौशिक को हम पहले साइन में बदलेंगे, साइन में तो कौश आता है, कौशिक में तो कौशिक में टेन तो नहीं आता है, कौशिक में टेन नहीं ना आता है, आता है देख लीजिएगा आप लोग, हम जैसे हम बता रहे हैं उसे समझिए, उसे भी हो सकता है, तो कौशिक में टेन नहीं आता है तो पहले कौशिक को हम साइन में बदलेंगे, तो कौशिक को हम साइन में बदलेंगे तो वन बटा साइन ए, वन बटा साइन ए, तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है क्या, वन बटा रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक समझ में आई बात, साइन थीटा का फॉर्मूला तो हुआ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, तब यहाँ पे समझिए वन तो बटा में, तब यहाँ पे रूट है तो रूट वन माइनस कॉस को बदले सेक में वन बटा सेक स्क्वायर ए, क्या हो गया वन बटा सेक स्क्वायर ए आ गया। अब ये वाला ऊपर में गुना करेंगे, इस कहाँ जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो पहले हम नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे का वन एलसीएम, ऊपर तो ऊपर, तो यहाँ पे नीचे में क्या है, रूट है तो रूट पहले उड़ा दिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा। अब ये वाला ऊपर जाकर गुना होगा, ये वाला ऊपर जाकर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, रूट है तो रूट उड़ाना पड़ेगा, क्या रूट है तो रूट उड़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ पे सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पहले सेक कौशिक को साइन में बदलें,
कौशिक को साइन में बदलें, तो साइन में बदल लिए साइन से, अब साइन को कौस में बदलें, साइन को कौस में बदलें, तो कौस में बदलें, तो कौस को अभी सेक में बदलें, क्या कौस को सेक में बदलें, अब सेक में बदल लिए, तो जो घटा जो गुना हुआ गुना करके हम देखिए मेरा आंसर यहाँ तक आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा चौथा। अब पांचवा में चलते हैं, अभी कौट है, अब देखिए कौट, कौट को हम पहले किस में बदलेंगे, कौट को हम टेन में बदलेंगे, कौट को हम किस में बदलेंगे, कौट को हम टेन में बदलेंगे, टेन में बदलेंगे कौट थीटा बराबर वन बटा टेन थीटा। अब टेन में तो सेक आता है, टेन में तो सेक आता है टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पे वन बटा टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्या आता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ तक देखिए मेरा आ गया, निकल गया ने? पहले टेन, यहाँ पे समझिए कि सेक क्या मतलब, सेक किस में आता है, तो सेक कौस में आता है और टेन में आता है। तो पहले जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको पहले सोचिएगा क्या कि कौस और टेन में, कौस और टेन में अगर आ गया तो हम उसको पूरा मतलब आ जाएगा। तो पहले हम किसी प्रकार से भी हमको कौस में लाना है, तो कौस में ला रही हैं। अब यहाँ पे कौस में या टेन में, तो यहाँ पे कौस थीटा बराबर वन बटा टेन थीटा फार्मूला होता है ना, तो यहाँ पे टेन आया तो ये तो आराम से निकल गया यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम बदल लिए यहाँ पर, समझ में आ गई। दूसरा का सोल्यूशन तो हम लोग कर दिए, अब चलिए हम लोग तीसरा पे चलते हैं। तीसरा पे क्या है, मान मान निकालिए, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, हम लोग फार्मूला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान 63 है और यहाँ पे साइन, तो पहले थीटा का मान बराबर कर लेंगे, क्या करेंगे थीटा का मान बराबर कर लेंगे तो हम लोग को फार्मूला पर बैठ जाएगा। अब ऐसे कोई है कोई नियम में आ रहा है, कोई नियम में नहीं आ रहा, तो पहले हम थीटा को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस 90 डिग्री क्या होगा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर और जितना थीटा है तो उतना थीटा दे दिए। अब यहाँ पे देखिए कौशिक है, तो यहाँ पे कौशिक को बदलेंगे, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब फार्मूला यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस बराबर कॉस थीटा,
कॉस स्क्वायर और ठीठा के मान 63, तो 63 प्लस 90 में, 90 में 63 गया तो कितना बचा, 90 में 63 गया तो 27 बचा। 90 में साइन 90 डिग्री माइनस ठीठा, तो साइन स्क्वायर 90, साइन 90 डिग्री माइनस ठीठा, तो साइन 90 डिग्री माइनस ठीठा कॉस, और 90 में 63 गया कितना बचा 27 डिग्री, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ठीठा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर तो 90 में 17 गया कितना बचा, तो 90, तो साइन साइन के हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 90 में इतना गया तो कितना बचा 73 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री। अरे साइन प्लस कॉस, अब इसको हम पहले अपना रूप में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो 1/1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/1, तो मेरा आंसर 1 आ गया। तो इसका पहला सोल्यूशन हम लोग कर दिए हैं, अब दूसरा आप लोग से हो पाएगा तो बोलिए, नहीं तो फिर हम करके दिखाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग को दे देते हैं, यहाँ पे आप लोग को हम इधर दे देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर हम आप लोग को बताएंगे अगला वीडियो में। बस इसमें दो को बदलना है, दो को बदलिएगा आपका आंसर आ जाएगा, और दोनों साइड एक ही को बदलिएगा तो नहीं आ पाएगा आपका आंसर। इस आप लोग का HW है ये वाला, आप लोग का HW है, आप लोग घर से बनाकर लाइएगा, ठीक है, आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि नहीं, घर से आप लोग बना के लाइएगा, जितना आप लोग रिवीजन मारिएगा वो उतना आप लोग को बेहतर होगा, और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लीन होगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहेगा तो आप लोग बेहतर से बेहतर वहाँ पे, आप लोग को कोई यहाँ पे आधा से बच्चा सोचने में लगा देता है, अगर आप लोग को रिवीजन जितना बेहतर मारिएगा उतना बेहतर आप लोग का मैथ में बहतर से बेहतर नंबर आएगा। तो वह वाला HW हो गया, ये वाला बता दिए, जैसे यहाँ पे बदले उसे वहाँ पे बदल लीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा समाप्त हो गया, अब चौथा पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला क्या, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों को पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, 9 sec² a - 9 tan² a। अब आप लोग को मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है आप लोग को, तो आप लोग को मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, हम लोग को मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मान, तो यहाँ पे देखिए 9, दोनों में 9 मिल रहा है, तो दोनों में 9 मिल रहा है तो कॉमा ले लेंगे, 9 बचा क्या, sec² a - tan² a। देखिए यहाँ पे समझिए, दोनों में 9 मिल रहा है, अगर कॉमा लेने से क्या होता है, मैथ छोटा होता है, कौमा लेने से मैथ छोटा होता है, तो दोनों में 9 9 कौमा, इसमें भी 9 कौमा, इसमें भी 9 कौमा, तो 9 को कौमा ले लिए, तो कौमा बचा क्या, sec² - tan², तो sec² - tan² बराबर क्या होता है, 1, sec² - tan² बराबर क्या होता है, 1, तो 9 × 1, तो 9 × 1 तो 9 है ना, इसका आंसर आ गया। पहले देखिए 9 9 कॉमा मिला, कॉमा ले लिए, तो बचा क्या, sec² - tan², तो sec² - tan² वाला फॉर्मूला होता है 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हम लोग दे दिए,
इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। फोर कौशिक स्क्वायर ए माइनस फोर कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, फोर कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, आप लोग खुद बनाइएगा। तो और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग को समझ में आया होगा तो ये हर एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही चुटकियों में खेल कीजिएगा, नाइन नाइन हेट मिल रहा तो नाइन कोमा लेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक होगा। पहला तो क्वेश्चन बन गया, अब देखिए अब सीड करने वाला क्वेश्चन आ रहा है। सीड करने वाला ये पाँच नंबर का एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है, पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है। अब सीड करना है, क्या करना है, सीड करना है। यहाँ पे क्या वन प्लस टाइन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे दे दिया क्या वन प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कौशिक थीटा, क्या हो गया वन माइनस कौशिक थीटा। तो यहाँ पे दे दिया, तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या सिद्ध करने के लिए ने बोला, मान निकालने के लिए बोला। तो अगर कोई भी मोटा मोटी बोले, मोटा मोटी बोले आठ करोड़ बारह करोड़ बारह सौ छप्पन करोड़ इतना तो नहीं गिन पाइएगा, पर आप लोग को कोई बोल ले चार रुपया आठ रुपया बारह रुपया, तो रिएक्टिव को बोलेगा तो आप लोग कैसे गुना कीजिएगा, रिएक्टिव को कैसे गुना गुना आराम से कर दीजिएगा। तो जैसे देखिए टेन थीटा फॉर्मूला तो साइन थीटा, तो पहले टेन को कॉट साइन बटा कॉस साइन बटा कॉस में बदलना है, टेन कॉट को साइन बटा कॉस में, तो जो है वो आप बदल लेते हैं वन प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस वन बटा कॉस थीटा। यहाँ पे तो एक हो गया, हो गया। अब इसको बदल लेते हैं वन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस वन बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए वन बटा साइन थीटा हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया वन बटा। अब दोनों में देखिए साइन साइन तो पहले एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे कॉस का तो कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे एक हो गया, तो एक हो गया तो यहाँ पे कॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, तो यहाँ पे एक हो गया। अब यहाँ पे दूसरा को कॉमन एलसीएम लेते हैं तो दूसरा में साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, एक से गुना करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। यहाँ तो समझ में आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन आ गया। यहाँ पे आप लोग समझिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ने कहा उसको, इसको मान लीजिए ए प्लस बी, यहाँ पे यहाँ से जो है ना यहाँ तक इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ना आ गया ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू माइनस ए बराबर बी क्या हो गया, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, क्या हो गया माइनस एक का स्क्वायर। अब साइन गुने कॉस तो क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, टू ए बी क्या हो गया, टू ए बी हो गया। अब माइनस एक है तो माइनस एक दे दिए, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए पहले जो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब माइनस एक है तो माइनस एक। अब नीचे जितना है उतना दे दिए साइन थीटा गुने कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, इसको यहाँ पे कीजिए चाहे इसको यहाँ पे कीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा एक प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वाला कट गया तो प्लस टू और माइनस वन, तो क्या आ गया वो दो, तो एक प्लस एक माइनस कट गया, तो कितना आया आंसर दो आया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे देखिए एक एक आ गया साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस कॉस कट गया, यहाँ पे दो तो एक माइनस है तो एक माइनस एक प्लस तो कट गया, तो यहाँ पे दो मेरा आंसर। पहले देखिए यहाँ पे समझिए, विशेष समझिए, यहाँ पे सब मोस्ट भी सीट करने वाले जितना भी क्वेश्चन सब मोस्ट भी आइए। यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस एक थीटा, पहले अरे भाई हम करें मतलब अगर आप लोगों को बोले चार चार गुने आठ कीजिए तो अड़चक बत्तीस, आप लोग को बोल ले छत्तीस गुना अड़तीस कीजिए तो आप लोग पढ़ा जानते उतना, तो आप लोग गुना कॉपी कलम पे कीजिएगा, तो इसको हम टेन थीटा को हम बदल सकते हैं कि नहीं, साइन बटा कॉस में तो छोटा हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा लॉन्ग होगा पर आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग को आसान करना है हम लोग। आज आप बोलिए आप ही कि हमको छोटा ही चढ़ना है, हार्ड चढ़ना है, हार्ड में क्या लगता है कड़वाहट लगता है, पर धीरे धीरे चलिएगा ना तो आप लोग को बेहतर लगेगा, क्या बेहतर लगेगा कि नहीं आप ही बोलिए। अगर छत पर से आप सीढ़ी पर से नीचे उतरते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं होता है, वही छत पर से आप नीचे कूदते हैं तो आपका क्या होता है कलेजा धकधक करने लगता है, वैसे ही हार्ड हम लोग को स्लो करना है, तो स्लो करने के लिए टेन को हम पहले साइन बटा कॉस में बदल लेंगे, साइन बटा कॉस में बदल लिए, इसको भी साइन बटा कॉस में, तो सबको साइन बटा कॉस में बदल लिए, तब यहाँ पे देखिए कॉस कॉस मिल रहा तो एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो नीचे में एक है तो एक को गुना करेंगे कॉस में तो क्या होगा कॉस, अब कॉस तो कॉस को एक गुना करेंगे तो कॉस, तो यहाँ पे कॉस आ गया कॉस प्लस साइन तो साइन प्लस वन तो वन, यहाँ पे साइन कॉमन लिए तो यहाँ पे एक है नीचे कुछ नहीं तो कितना एक है, तो एक को गुना करेंगे साइन तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे समझिए इसको हम मान लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लिए, क्या मान लिए साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो यहाँ पे फार्मूला बैठा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बैठा फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठा ना यहाँ फार्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब दोनों के अंदर कॉस है तो अब यहाँ पे साइन गुने कॉस करेंगे तो साइन कॉस आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी माइनस वन, तो टू देखिए यहाँ पे साइन गुने कॉस बराबर क्या होता है एक, और यहाँ पे साइन कॉस तो साइन कॉस कट गया ना साइन बटा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे एक इसका एक आ गया, यहाँ पे दो बच गया, यहाँ पे माइनस एक है तो माइनस एक आ गया, अब नीचे में तो कट गया तो क्या एक प्लस एक माइनस कट गया तो बच्चा मेरा आंसर दो आ गया। यहाँ देखो आप लोगों को समझ में आ गया, जितना भी आप लोगों को सीट करने के लिए बताएंगे सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बस ऐसे ही देखिए और जितना हो सके जिस एग्ज़ाम देने वाले बिहार बोर्ड एग्ज़ाम सबको लाइक और शेयर कीजिए, दबा के कीजिए कि इस बार बेहतर से बेहतर मैट्रिक एग्ज़ाम में नंबर लाएं। अगर आप लोग अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलें कि पहले अगर कोई दिया रहे टेन थीटा कॉट थीटा, तो टेन कॉट को हमको साइन और कॉस में बदलना है,
साइन और कॉस में वही समय नहीं बदलेंगे जिस समय मेरा मजबूरी रहेगा, जिस समय मेरा आंसर आने में प्रॉब्लम रहेगा, जिस समय मेरा आंसर इधर दिया रहेगा, मतलब सिर करने के लिए दिया रहेगा, ये सब तो सिर करके मेरा आंसर लाना है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 बटा कॉस थीटा प्लस टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है वो उधर 1 माइनस ही तो साइन में दिया है, तो इसको क्या बदलेंगे, तो वो साइन में दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस कॉस के कॉस से, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो गया, अब यहाँ पे 1 माइनस क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ तक समझ में आ गया, पहले हम साइन बटा कॉस में बदल लिए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे कॉस 1 प्लस कॉस तो हुआ। अब यहाँ पे समझिए, अब दोनों को गुना करेंगे तो दोनों को गुना करने पर कॉस नीचे तो कॉस ए आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए अभी इस फार्मूला में बताएं तो क्या ये मोस्ट वी बी आई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत वी बी आई है, इसी पे पूरा मैथ आधारित है, इसी पे 99.88% इसी पे मैथ आधारित है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ए के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर, साइन ए के स्क्वायर बटा नीचे कॉस है तो नीचे कॉस आ गया, इसी पे पूरा क्वेश्चन फार्मूला आधारित है। तो यहाँ पे समझिएगा 1 आ गया, तो देखिए 1 तो यहाँ पे कर लेते हैं ए प्लस बी इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन ए के स्क्वायर अब बटा में क्या है कॉस ए बराबर, तो एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। देखिए आपको तो यहाँ तक सिद्ध हो गया, अगर आप लोग बोलेगा क्या इसको ज्ञात करना है, और अगर आप लोग को बोल देगा क्या कि सिद्ध करके लाना है क्या कॉस ए लाना है, क्या लाना है कॉस ए, तब देखिए तो यहाँ पर से कुछ नहीं, 2 स्टेप आ गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस और कॉस कट गया तो क्या आ गया कॉस ए आ गया, आंसर आ गया, सिद्ध हो गया ना। तो हम लोग बोलेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, आप लोग को ऐसे ही बोलेगा जो सीध करके आने का रहेगा ना वही देगा, बोलेगा कि LHS बराबर RHS, यहाँ पे सीध करके लाना है कॉस ए, तो आप लोग जैसे हम सीध किए साइन लगा दीजिएगा, पहले साइन अगर देख लीजिएगा क्या कि उधर साइन बड़ा कॉस में है तो साइन बड़ा कॉस में बदलेंगे, अगर टेन में है तो टेन में रहने देंगे, क्या समझे, और टेन में है तो टेन में रहने देंगे, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर दिए हैं, अब चौथा के चलते हैं, आज की लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही तक आने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में कुछ दो से तीन दिन में पूरा लेसन ही मतलब चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, फिर 1 से 2 दिन लगेगा ऑब्जेक्टिव में, 2 दिन ऑब्जेक्टिव कराएंगे पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव से समझ लीजिए, तो 10 से 20 नंबर तो फिक्स है, कई नंबर फिक्स है 20 नंबर फिक्स हैं। ये पे देखिए इस क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर इस प्रकार का आप लोग क्वेश्चन दिया रहेगा क्या दिया रहेगा, अगर इस प्रकार का आप लोग क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग इतना जान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बोलेगा क्या किसके बराबर है, तो ये वाला बोल दीजिएगा किसका, इसको सीध नहीं करना है, इसको टेन स्क्वायर ए लगा दीजिए, जो यहाँ पे रहेगा वो लगा दीजिए, टेन ए रहेगा तो टेन ए लगा दीजिएगा,
टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ए, क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कौसेक स्क्वायर ए। तो कौसेक स्क्वायर ए, तो सेक को बदलेंगे पहले कौस में, सेक को बदलेंगे कौस में, कौस स्क्वायर ए बट्टा वन बटा साइन स्क्वायर ए। तो गुना करेंगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा टैन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, पहले वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कौसेक स्क्वायर थीटा। तो कौसेक को साइन में और सेक को कौसेक में, सेक में बदलना है, कौसेक सेक को कौ से बदलना है। तो बदल लिए, यहाँ पे ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला हर के बटा अंश में, अंश के बटा हर में, तो हर के बटा अंश में यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आया, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस बराबर टेन स्क्वायर थीटा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज तक इतना ही रहने थे, और आप लोग को आज की क्लास में कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग को कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट हमेशा तैयार रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।